मनीष सिसोदिया हारे तो झटका तो आम आदमी पार्टी के लिए होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया जिन्होंने जिनके जरिए इस बात को इंडोर्स किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने वो काम कर दिखाया है जो देश के किसी राज्य ने खासतौर पर सरकारी स्कूलों के शिक्षा सुधार के लिए नहीं किया, और वही अगर हार रहे हैं तो अभी देखिए, मैं अभी देख रहा था इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को, अभी जो कंफर्मेशन है वो तीसरे राउंड की वोटिंग की गणना को पूरा किया गया। मगर ये हाँ। जो उतार चढ़ाव इस वक्त दिख रहा है, उतार ये थोड़ा करंट तो लगा रहा होगा। नहीं, उतार चढ़ाव हो रहा है मैं मानता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का कुछ क्षेत्रों में प्रभाव भी है, ये दिखा रहा है जो इस तरह का ट्रेंड दिखा रहा है कि किसी भी विधानसभा के कुछ क्षेत्रों में शायद वो कुछ मतदाताओं को प्रभावित भी कर गया। रमेश जी, मैं बहुत देर से अपने दो मेहमानों की तरफ जाने सका हूं, परविंदर सेठी जी की तरफ, शकील चौधरी जी की तरफ, मैं उनकी तरफ जाऊंगा, मगर हमारे साथ में इस वक्त एक और नेता रफी अता साहब जो कि कांग्रेस पार्टी से जिनका ताल्लुक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मैं उनकी तरफ जाऊं। उससे पहले आपको ये बता दूं कि दरअसल ये अभी ट्रेंड है, और इन ट्रेंड के बीच में जो एक सबसे रोचक ट्रेंड है, जो सबसे रोचक तस्वीर सामने आ रही है, जिसका जिक्र अनुरोध सिंह जी कर रहे थे कि करीब करीब 21 ऐसी सीटें हमारी हैं जहां पर जो फासला है जो गैप है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में वो बहुत कम है, वो 100 है, 200 है, 300 है, 500 है, 1000 है, और ये किसी एक राउंड के काउंटिंग में ये उलटफेर हो सकता है। जाहिर तौर पर इसमें खुशी की लहर तो एक जो बनी हुई है, जो दिख रही है सुबह से आम आदमी पार्टी के खेमे में, फिलहाल वो कम तो नहीं हुई है, मगर जो उम्मीद का दामन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त पकड़े हुए हैं, जाहिर तौर पर उसका सपोर्ट ये आंकड़े करते हुए उस फिगर के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अगर 21 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1000 या 500 वोटों का आरक फर्क है, यही वो कड़ी है जो एक उम्मीद बधाई हुई है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, और ऐसे में अगर ऐसा हो गया तो एक बड़ा चमत्कार होगा, और चमत्कार इस अंदाज में होगा कि ये सारी जश्न की तस्वीरें जो अभी देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर में न सिर्फ फीकी पड़ जाएंगी बल्कि पासा पलट जाएगा। मगर सवाल वही है, क्या 56 से खिसक करके 36 के नीचे ला पाने में आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी इन आंकड़ों के हिसाब से जब नतीजे आएंगे उसमें कामयाब हो पाएगी? फिलहाल ये दूर की कौड़ी तो नजर आ रही है, लेकिन कहा यह जाता है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि जनता के ये फैसले हैं, जनता ने अपने मत का इस्तेमाल करते हुए जिस कैंडिडेट और प्रत्याशी के हक में जो फैसला सुनाया था, आज उनको धीरे धीरे आपके सामने लाए जाने की पूरी प्रक्रिया है जो कि इस वक्त रुझानों की शक्ल में आपके सामने आ रही है। मगर रफी अता साहब, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीवी पर, आपको आवाज आ रही है सर? रफी अता साहब, सुन पा रहे हैं आप? जी रफी अता साहब, मेरा सवाल यह है कि सुना था एक कांग्रेस पार्टी थी, रफी साहब आपको आवाज आ रही है? सर आपने सवाल सुना? मुझे लगता है कि रफी अता साहब की तरफ हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भूमिका इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़े स्तर पर देखी इसलिए जा रही है कि ये पूरा का पूरा जो वोट रहा है वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया, ये पूरा का पूरा चुनाव, ऐसा कहना है बहुत सारे राजनीतिक जानकारों का कि अगर कांग्रेस पार्टी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती, एडीसी चोटी का जोर लगाती तो ये पूरा त्रिकोणीय हो जाता, और अगर ऐसा होता तो डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई आज नजर आती और यहां पर बहुमत का आंकड़ा भी वो क्रॉस कर लेती बड़ी आसानी से। तो क्या कांग्रेस पार्टी की ये एक स्ट्रेटजी रही है, या फिर ये मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी को ये पता था कि अगर वो गाजे बाजे के साथ में पूरे एडीसी से चोटी के जोर के साथ में चुनावी मैदान में उतरती है फिर भी उसको तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि पिछले जो चार चुनाव हुए हैं, 2014 के लोकसभा के चुनाव, 2019 के लोकसभा के चुनाव, 2015 का विधानसभा का चुनाव, 0-0-0, तो कहीं ना कहीं इस स्थिति को भी सामने रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने किसी किस्म की कोई पहल नहीं की। ऐसे में एक बार फिर से रुख कर लेते हैं रफी अता साहब की तरफ। रफी अता साहब, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं सर? कुछ अब
हम इस तकनीकी दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनकी प्रवक्ता की तरफ से, उनके नेता की तरफ से अब सवालों के जवाब, उन पर प्रतिक्रियाएं काफी जरूरी है। मगर परविंदर सेठी साहब, मैं उसी चीज को एक बार लेकर आना चाह रहा हूं। मैं ओखला विधानसभा सीट की बात कर रहा था जिसमें शाहीन बाग आता है, अमानतुल्ला खान जिनके ऊपर उस पूरे प्रोटेस्ट को आयोजित करने का आरोप भी लगा था और कहीं ना कहीं उनका नाम बड़ी तेजी के साथ में उछला था। दो सवाल मेरे आपसे हैं, क्या अमानतुल्ला खान ने एक पोलराइजेशन करने की कोशिश की, मगर मौजूदा वक्त में भले नतीजा कुछ भी हो ये रिवर्स पोलराइज्ड हो गया, सवाल नंबर एक। और क्या इस गेम में ब्रह्म सिंह बीजेपी के नेता, अमानतुल्ला खान आम आदमी पार्टी के नेता, इस गेम में काफी लंबे समय के बाद, जो कि राज्यसभा के सांसद थे परवेज हाशमी, जो कभी वहीं से विधायक हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी ने परवेज हाशमी को मैदान में उतार दिया, परवेज हाशमी ने खेल बिगाड़ दिया अमानतुल्ला खान का? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अमानतुल्ला खान साहब ने ये जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट है उन्होंने नहीं ऑर्गेनाइज करा, ये वहाँ की जनता ने ऑर्गेनाइज करा था। हाँ, वो उसके अंदर उन्होंने एक बहुत एक्टिव मेंबर की तरह से वहाँ पे पार्टिसिपेट करा और काफ़ी तरह के उन्होंने वहाँ पे भाषण वगैरह दिए और उसमें हाईलाइटेड रहे, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के ऊपर क्वेश्चन भी करे गए कि ये वहाँ पे जो है अलगाववाद की राजनीति कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तो जनता का जो प्रोटेस्ट है ये, मैं उस प्रोटेस्ट पे नहीं आना चाह रहा हूँ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ क्या कांग्रेस पार्टी का परवेज हाशमी को वहां से चुनावी मैदान में उतारना, जो कि परवेज हाशमी किसी वक्त में वहां पर चुनाव लड़ा करते थे और वहां से विधायक हुआ करते थे, जी, परवेज हाशमी का चुनावी मैदान में उतरना अमानतुल्ला खान के लिए मुश्किल पैदा कर गया, या फिर अमानतुल्ला की कोशिशों के मुकाबले में रिवर्स पोलराइज्ड हो गया जो दूसरी तरफ का वोटर है? हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा था कि देखिए, अमानतुल्ला खान की जो बात है वो वहाँ के हीरो नहीं है, जो उस प्रोटेस्ट के हीरो नहीं है कि वो उनको एक बहुत बड़ा वहाँ से जनादेश मिल जाता। लेकिन ये बात सही है कि जैसे कांग्रेस ने वहाँ से कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उसका उनको नुकसान डेफिनेटली हुआ है। लेकिन वहाँ पे देखिए, जो प्रोटेस्ट में जो लोग हैं वो राजनीति, अपने प्रोटेस्ट में किसी तरह की राजनीति नहीं चाहते, ये बात भी दर्शाता है कि ये प्रोटेस्ट लोगों का है, जो उसके अंदर कई लोगों ने आके अपनी इन्वॉल्वमेंट करी, वहाँ का माहौल ख़राब करा, कई नेगेटिव लोग भी आए जिसने अलगाववाद की बातें करी, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट जो है एक आवाज़ की के हिसाब से उठा था। लेकिन जो उनकी हार हुई है उससे ये दर्शाता है कि उनका इतना रोल नहीं था, और कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छा होने की वजह से उसका नुकसान डेफिनेटली हुआ। हालांकि अभी आंकड़े आ रहे हैं, अभी कॉम्पिटिशन उस विधानसभा सीट पर, ओखला विधानसभा सीट पर चल रहा, ब्रह्म सिंह बीजेपी के कैंडिडेट है, अमानतुल्ला खान आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में जो मेरे दूसरे सवाल का पहलू था कि क्या कांग्रेस का रोल इस विधानसभा के चुनाव में ना कुछ करते हुए भी बड़े स्तर पर देखा जा रहा है, इन नतीजों के बीच में कांग्रेस की वजह से फर्क इस नतीजे में आप देख पा रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली मैं ये जो बात है, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर विद इन द पार्टी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो अब उजागर हो चुकी हैं, जहाँ वहाँ कैंप्स बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, एक लैक ऑफ लीडरशिप है वहाँ पे, इस वजह से उसमें स्ट्रेटेजी या प्लानिंग नहीं है। लेकिन मैं एक बात और आपको बता दूँ कि कांग्रेस ने कई सीटों के अंदर बहुत बढ़िया कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन वो उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा या क्या है कि मैं रफीता साहब से पूछूंगा, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये कि कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी थी कि इस चुनाव में ना उतरा जाए। मैं तीसरी बार यह सवाल पूछ रहा हूं आप सब लोगों से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती के साथ लड़ती, बहुत सारी ऐसी सीटें थे जहां पर कांग्रेस पार्टी खेल बिगाड़ देती, उसके पक्ष में कोई फायदा तो नहीं होता, मगर आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ देती, इसलिए कांग्रेस पार्टी बड़े धीमे से चुनाव में गई और उसके बाद में होने दिया उसने बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। परविंदर जी, देखिए, जो आप बात, आपने बार बार यही प्रश्न करा है कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर अपनी एक्टिविटी नहीं दिखाई ताकि आम आदमी पार्टी को फायदा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मुझे लगता है कि क्योंकि वो उन्होंने जितनी अपनी ताकत झोंकनी थी उस प्रकार से जो हाई लेवल की लीडरशिप ने नहीं झोंकी, लेकिन जो कांग्रेस को वोट प्रतिशत मिलना था, जैसे उन्होंने एक तरह से शीला दीक्षित जी का पीरियड दिखाया या उस समय में जो काम हुए उसकी बात करी है, वो वोट प्रतिशत तो मिला, लेकिन आज की जो जनता है वो ये चाहती है कि एक सॉलिड सरकार मिले जिसके अंदर उनको एक भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, और दूसरी एक जो सैंपल है
करीब करीब 24.5% वोट मिला था कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में। 2015 में 9% पर आकर के कांग्रेस पार्टी सिमट गई थी। क्या उससे कोई सबक नहीं लिया? और ऐसे में यह सवाल तो बनता है, रफी अता साहब आपको आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं सर आप? जी रफिया अता साहब, मैं वही सवाल लेकर आपकी तरफ आता हूं। सुना है कांग्रेस पार्टी थी दिल्ली के परिपेक्ष में। जी बोलिए। जी जी जब्बार साहब पूछिए। मुझे लगता है कि रफी अता साहब आपने टेलीविजन की आवाज आपने बढ़ा रखी है, अगर ऐसा है तो प्लीज आप अपने सामने जो टेलीविजन का सेट है उसकी आवाज आप म्यूट कर दें ताकि आप आवाज को सुन सके यहां से। मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं, सुना है कांग्रेस पार्टी थी मुझे लगता है कि तकनीकी वजहों से आवाज उनको साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। और ऐसे में रफी अता साहब, मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपकी टेलीविजन की आवाज उसे म्यूट कर दीजिए ताकि आप हमारी आवाज को प्रॉपर तौर से सुन सकें और आपकी आवाज भी पहुंच सके। मगर इन तमाम चीजों के बीच में शकील चौधरी साहब, क्या हो गया कांग्रेस को? 0-0-0 लगातार चौथा चुनाव। जी कांग्रेस तो जो है पहले से ही जो है दिख रहा था कि 0-0-0 हर जगह 0-0-0। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो है अगर ओखला की अगर बात करते हैं अमानतुल्ला खां की, तो पिछली बार ब्रह्म सिंह जो 2015 में जो चुनाव लड़े थे तो करीबन 39,000 वोटों से हारे थे वो, और 1,00,000 के करीब अमानतुल्ला खान जो है वोट लेकर के जीते थे 1,00,000 के आसपास। अब ऐसे में परवेज हाशमी ने वाकई जो है कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं और ऊपर से जो है उसमें 5 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जो है ये खेल अमानतुल्ला का शायद बिगाड़ देंगे। नहीं तो कैसे फिर इस थ्योरी को कैसे साबित किया जाए सही कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ करके वॉक ओवर दे दिया था? फिर यहां तो भी कांग्रेस पार्टी को पता था ना कि अगर परवेज हाशमी को अगर कांग्रेस पूरी दिल्ली विधानसभा में जो है अपने कैंडिडेटों को इसी तरह मजबूती से लड़ाती तो कहीं ना कहीं जो है इसका बेनिफिट जो है भाजपा को होना था। आप ये मानते हैं? बिल्कुल। अनिरुद्ध जी देखिए, वो कांग्रेस का है, कांग्रेस सच में आपने बहुत सही बोला कि एक कांग्रेस थी लोग आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस पार्टी ने 70 सालों तक देश में हुकूमत किया। देखिए क्या होता है जब पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है, मैं आम आदमी पार्टी आज के टाइम पे हमारा उनका पॉलिसी और विचारों पे बहुत बड़ा मतभेद है कि हम कुछ करना चाहते हैं वो कुछ करना चाहते हैं, धरना करना वो अलग बात है, लेकिन जब पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उस तबके के लोगों के साथ में वो खड़े होते हैं। उसमें आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस हर जगह पर चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो वो एक कैरियर पर केवल बैठना चाहती है, चाहे झारखंड का चुनाव हो चाहे हरियाणा का, कहीं के भी चुनाव में वो आप उनको देखिए उनका मत प्रतिशत डेली घट रहा है, उनके नेताओं की जुबान देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही देखिए कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री कहते हैं साहब सीएए जो एक्ट है उसको हम अपने यहां उसके खिलाफ में प्रस्ताव पारित करते हैं, और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी कहते हैं कि नहीं क्योंकि ये केंद्र सरकार से बनाया हुआ एक्ट है इसलिए हम इस पर कुछ कोई ऐसा विवादित नहीं कर सकते। लेकिन समस्या क्या है कि कांग्रेस के अंदर ही दो धड़ बट गए हैं, कोई इधर कोई उधर, तो कांग्रेस अब आने वाले जो राजनीतिक जानकार है उनके नजर में भी। मगर रफी अता साहब ये कब तक चलेगा कांग्रेस पार्टी के साथ में इस तरीके से? लोकसभा में आप है नहीं, विधानसभा में आप दिख नहीं रहे, दिल्ली जैसी जगह में आपने प्रचार तक नहीं किया ढंग से, तो इसका कोई लॉजिक है? इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं है, कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है, कांग्रेस मौजूद है अपनी जगह, कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ा है हमने और अच्छा चुनाव लड़ा है। नहीं तो फिर आपके पार्टी के कद्दावर नेता लोकसभा के नेता आपकी पार्टी की तरफ से वो ये पहले से ही अरविंद केजरीवाल को बधाई दे रहे थे कि हम अरविंद केजरीवाल को बधाई दे रहे हैं, बीजेपी तो हारने जा रही है, मतलब हथियार तो पहले ही आप लोगों ने डाल दिया था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए एक जो रियलिटी जो थी दिल्ली की
रियलिटी फिलहाल जो इस वक्त रियलिटी थी, जैसा कि एग्जिट पोल आए थे उसके अनुसार कुछ लोगों ने बोला होगा, पीसी जाको ने बोला, मैं मानता हूँ पीसी जाको जी ने बोला, लेकिन सुभाष चोपड़ा जी जो जमीनी आधार पे हमारे अध्यक्ष है उनका बयान देखा था, हमने बिल्कुल साफ चुनाव लड़ाया है और हम होपफुल थे पूरे।